हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी। सो आज के लेक्चर में मैं आपको बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ग्रिड सिस्टम जो है वो हमें अलाउ करता है 12 कॉलम पर पेज पे ऐड करने के लिए। अगर हमें 12 कॉलम नहीं ऐड करने तो भी हम कुछ कॉलम मिला के उन्हें इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है एंड द कॉलम विल रीअरेंज डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज के डिपेंड करते हुए कॉलम अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिव है और हर एक स्क्रीन पे चलता है। एक्सेस आपको पता है फोन के लिए होता है, एसएम टैबलेट के लिए, एमडी स्मॉल लैपटॉप के लिए एंड एलजी लार्ज लैपटॉप के लिए। तो ग्रिड सिस्टम होता क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ एक इमेज के थ्रू। तो ये होता है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। मान लीजिए स्पैन फॉर लैपटॉप में, तो लैपटॉप वाला जो है वो मोबाइल में स्पैन 1111 ऐसे 4 स्पैन 1 के हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही लार्ज स्क्रीन पे वो स्पैन 6 कर सकते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे हम स्पैन 12 कर सकते हैं उसको। एंड इसका फॉर्मेट कैसा होता है, डॉट क्लास कैसे देते हैं, कॉल डैश एस एम डैश 4, मतलब अगर एस एम साइज के 4 कॉलम चाहिए, और कॉल डैश एल जी डैश 4 अगर एल जी लार्ज साइज के 4 चाहिए। तो ये उसका फॉर्मेट होता है। मैं आपको सारे ऑप्शंस बता देता हूँ कैसे हम लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स। कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश, ये देखिए, ये तो हम ऐसे डिफरेंट कॉलम लिख सकते हैं। सारे कॉलम विड्थ सब मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, और उनका नाम भी लिख दिया। क्लास में क्या लिखना है हमें, डॉट नहीं लिखना क्लास में, बाकी सेम लिखना। डॉट हम रेफर करने के लिए यूज करते हैं क्लास को। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर। स्टिल इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट यू कैन पुट दैट इन क्यू एन ए सेक्शन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑन indiancoding.com। थैंक यू।